हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप यूज करते हो रेडमी नोट 7S मोबाइल तो उसमें आप अपने इंटरनेट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे अपने इंटरनेट स्पीड को बढ़ा सकते हो, कितना फास्ट आप बढ़ा सकते हो, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। अगर आपके फ़ोन में भी जो इंटरनेट बहुत स्लो चलता है तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका इंटरनेट बहुत ज़्यादा फास्ट चलना स्टार्ट कर देगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ध्यान से देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी आपको इस टाइप का वीडियो देखने को मिलता रहे। और चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फटाफट मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सबसे पहले सेटिंग को ओपन कर लेना है, मोबाइल के सेटिंग को। और मोबाइल के सेटिंग को ओपन करने के बाद में स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आओगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है मैनेज ऐप्स का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। मैनेज ऐप्स पे क्लिक करोगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कुछ ही सेकंड में सारा एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा जो आपके फ़ोन में होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको वो एप्लीकेशन सब ढूंढ लेना है, जैसे कि आप उस एप्लीकेशन को बहुत ही कम यूज करते हो। तो उससे भी पहले एक चीज़ मैं बता दूँ कि आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है और किसी काम का नहीं है, तो उस एप्लीकेशन सबको अनइंस्टॉल कर दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि आपके फ़ोन में वो बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क को स्लो कर देता है और आपका डाटा भी बहुत ज़्यादा खाता है, आपके फ़ोन का बैटरी भी बहुत ज़्यादा खाता है। तो आपको उस एप्लीकेशन सबको हटा देना है जो आपके फ़ोन में एप्लीकेशन काम का नहीं है, ठीक है। और फिर भी जो एप्लीकेशन आपका काम का है लेकिन फिर भी कभी कभी यूज करते हो, तो जैसे कि अमेजोन शॉपिंग, इसको भी कभी कभी यूज करते हो, तो यहाँ पे इसको ओपन कर लूँगा क्लिक करके। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, स्क्रॉल करके आओगे तो रिस्ट्रिक्ट डाटा यूजेस का, तो इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से जो है सबको अनटिक करके इसको बंद कर दीजिए, ताकि इस एप्लीकेशन में डाटा जाए ही ना और आपका नहीं डाटा जल्दी ख़त्म हो और आपका इंटरनेट भी स्लो नहीं हो। तो आपको इस टाइप से इसको कर देना है, जब भी आप यूज करना चाहते हो तो उसको यहाँ पे मतलब ऑन कर दीजिए फिर से, जैसे कि मैं डोंट अलाउ कर दिया है, तो इस पर सभी को ऑन कर दीजिए, जिससे कि इस एप्लीकेशन में डाटा जाए तो आप इसको यूज कर पाए, क्योंकि बिना इंटरनेट का अमेजोन शॉपिंग तो नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको जब भी यूज करें तभी इसको कर सकते हो, जो जो एप्लीकेशन आप रखे अपने फ़ोन में तो इसको जरूर से फॉलो करिए, बहुत ज़्यादा फास्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एक सेटिंग आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जिस सिम पे इंटरनेट को चला रहे हो उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलिए एयरटेल में मैं चला रहा हूँ, तो एयरटेल को ओपन करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल ऑफिस का एक मुझे APN मिलता है, तो उसके सामने एक एरो का बटन है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा बेयरर पे क्लिक करके यहाँ पे अनस्पेसिफाइड पे टिक होगा, इसको हटाइए और सभी को यहाँ पे टिक कर दीजिए, जितना आपके फ़ोन में है सभी को टिक कर दीजिए। और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि आपके फ़ोन में जो नेटवर्क आना होगा सब यहाँ से आ जाएगा और आपका जो भी नेटवर्क पे काम करेगा इंटरनेट वो वहाँ से एक्टिवेट करके स्टार्ट कर देगा, आपके उस स्पीड को बढ़ा देगा। तो यहाँ पे ओके कर दीजिए और ओके करने के बाद मोर के बटन पे क्लिक करके इसको सेव कर दीजिए। उसके बाद जो है इसको एक बार अप्लाई कर दीजिए, फिर उसके बाद यहाँ का काम ख़त्म है। और एक सेटिंग मैं आपको और बता देता हूँ, तो उसके लिए भी आपको मोबाइल के सेटिंग्स में ही आना है। तो उसके बाद आएंगे मोबाइल के सेटिंग में, सबसे फर्स्ट में एक अबाउट फ़ोन का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा इंटरनल स्टोरेज का, तो इसको एक साथ अगर क्लिक करते हो 5 से 6 बार तो एक टेस्टिंग करके ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर आप सिम कार्ड 1 में लगाए हो तो फ़ोन इन्फॉर्मेशन 1 पे क्लिक करके अंदर जाना है, अगर आप सिम कार्ड 2 पे लगाए हो और उस पर इंटरनेट चला लो तो फ़ोन इन्फॉर्मेशन 2 पे क्लिक करके अंदर जाना है। तो मैंने एयरटेल पर बताया था और एयरटेल मैंने फर्स्ट में ही लगाया, तो मैं फर्स्ट को क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेट पर फिट नेटवर्क टाइप का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करके और यहाँ पे आपको LTE ओनली सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक हो जाता है, एक गलती भी हो जाता है जो मैं आपको बताऊँगा इससे आपको क्या प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो उसको भी सुधारना है, वो मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे जो है LTE ओनली कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है अपडेट एंड रिफ्रेश का, अपडेट पर क्लिक करके रिफ्रेश कर देंगे नंबर आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप LTE ओनली करते हो तो अगर आपके फ़ोन में जियो का सिम कार्ड है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर आपके फ़ोन में जियो का सिम कार्ड नहीं है, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, तो आपको प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम ये आएगा कि आपको कोई कॉल नहीं कर पाएगा और नहीं आप किसी को कॉल कर पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मोबाइल के सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद में सिम कार्ड एंड मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एयरटेल के सिम पर क्लिक कर देना जो कि आप इंटरनेट चला रहे हो,
उसके बाद यहाँ पे प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का ऑप्शन देखिए, क्लिक करके यहाँ पे LTE ओनली को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको फ़ोन आना स्टार्ट हो जाएगा, फ़ोन जाना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी आप इंटरनेट फास्ट चलाना चाहते हो तो आप अबाउट फोन में जाइए, इंटरनल स्टोरेज पे 6 से 7 बार एक साथ क्लिक करिए, उसके बाद फ़ोन के ऑप्शन में जाइए टेस्टिंग वाले ऑप्शन में और वहाँ पे LTE ओनली कर दीजिए। तो इतना करने के बाद में आपका इंटरनेट जोर से फास्ट हो जाएगा आपके रेडमी नोट 7 एस मोबाइल में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।